मयूरेश जोशी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। मयूरेश भाई, कल अगर आप देख रहे होंगे मार्केट को तो कल आईटी स्टॉक्स का काफी दबदबा था। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कल निफ्टी ने थोड़ा भी जो डाइवर्जेंस दिखाया वो आईटी स्टॉक्स के दम पर ही दिखाया। टीसीएस, इंफोसिस की कल की अच्छी क्लोजिंग भी हमको मिली है। एक बार जरा आपकी रिकमेंडेशन आईटी स्टॉक्स पे। अब हम मिडल में आ गए हैं, पहले हम बोल सकते थे कि सस्ते वैल्यूएशन है तो आईटी फार्मा में चले जाओ, लेकिन आईटी फार्मा भी अच्छे चले हैं अब दोनों, अब वो वैल्यूएशन वाला कंफर्ट शायद ना आए। आपकी राय क्या है सर इस पे? मॉर्निंग डिम्पी जी, नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक वैल्यूएशंस हायर एंड ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशंस निकल चुका है। और दूसरी चीज, आई थिंक जो काफी ट्रिगर पॉइंट्स हम मार्केट चल रहे हैं, जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट को लेके, उससे एक बड़ा ट्रिगर मिलता है आईटी कंपनियों को, क्योंकि जो की सेक्टर्स रहते हैं बीएफएसआई, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एक बूस्ट मिल जाती है। जैसे ये सेक्टर्स को बूस्ट मिलती है क्योंकि सबसे बड़े रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर होते हैं नॉर्थ अमरीकी और यूरोपियन मार्केट्स के लिए, हमारी आईटी आउटसोर्सिंग कंपनीज के लिए। यहाँ पे अगर एक इम्प्रूविंग ट्रेंड दिखता है मैक्रो लेवल पे, तो जो ऑर्डर टेंडरिंग एक्टिविटी है, ऑर्डरिंग एक्टिविटी है, दैट शुड स्टार्ट शोइंग साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, स्पेसिफिकली लार्ज मल्टी मिलियन या मल्टी बिलियन डॉलर डील्स के लिए। तो आई थिंक दैट इज वन पॉजिटिव दैट आईटी कंपनीज आर प्रॉपरली रिएक्टिंग ऑन। द अदर एस्पेक्ट इज जो पूरी डिजिटलाइजेशन की थीम चल रही है ग्लोबली, वंस दैट थीम रिज्यूम्स एंड कम्स बैक ऑन ट्रैक अक्रॉस सेक्टर्स, आउटसोर्सिंग कंपनीज ऑब्वियसली एक बहुत बेनिफिशियल फैक्टर में रहती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ द पीरियोडिसिटी ऑफ ऑर्डर जो मिलती है और जो मार्जिन के साथ ये ऑर्डर आते हैं, स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एआई और जेनरेटिव एआई। तो आई थिंक ये बहुत दो बड़े टेलमेंट्स है। हाउएवर, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, आई थिंक काफी स्टॉक्स स्पेसिफिकली मिड कैप आईटी स्पेस में अच्छे खासे चल चुके हैं। लार्ज कैप्स में भी जो प्राइस मूव आई है और जो वैल्यूएशन पे काफी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं आर नॉट टेनेबल एट दिस जंक्चर, यानी ऐसे नहीं लग रहा है कि आप छप्पर फाड़ के पैसे लगाओ एट दैट दीज लेवल्स। और इसलिए हमें लगता है, आई थिंक जो अर्निंग्स रिकवरी है लार्ज कैप कंपनीज के लिए सेकंड हाफ से शायद स्टार्ट हो सकती है। मिड कैप्स के लिए आई थिंक जो एक एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ स्टडी ऑर्डर फ्लो, एक्सपेक्टेशन ऑफ कॉन्स्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, जो डिसेंट रेसिपी है, डबल डिजिट मार्जिन विच कैन बी मेंटेन्ड, कैन कंटिन्यू। हाउएवर, वैल्यूएशंस, प्राइस एक्शन और लेट स्टेज बेसिस जैसे हम देखते हैं मार्केट विद इंडिया में अभी भी एग्जिस्टेंस है, तो आई थिंक फ्रेश पोजीशंस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एज अ क्लियर डिस्क्लेमर, वी कंटिन्यू होल्डिंग स्टॉक्स लाइक एम्फैसिस, पर्सिस्टेंट इन आर ग्लोबल पोर्टफोलियोज, बट वापस ये काफी लोअर लेवल्स है, तो आई थिंक जिनके पास होल्ड कर सकते हैं फ्रेश पोजीशंस के लिए आप गिरावट गिरा दीजिए। आज खबरों के लिहाज से पेटीएम भी फोकस में रहेगा क्योंकि यहां पे इनको पेमेंट सर्विसेज के लिए जो है एफडीआई से अप्रूवल मिल चुका है और आने वाले समय में आरबीआई अगर इनके जो अर्जी रहती है लाइसेंस के लिए, अगर उसको अर्जी मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो इसके लिए और भी इंक्रीमेंटली पॉजिटिव माना जा सकता है। मरीश जी, एक बार आपका टेक लेना चाहेंगे पेटीएम पे। अब जो अच्छी खबरों का सिलसिला है वो थोड़ा सा चालू हो चुका है पेटीएम पे, तो क्या यहां पे गिरावट में खरीदने की रणनीति बनानी चाहिए? आपका क्या नजरिया है पेटीएम पे? इट इज टू न्यूज ड्रिवन मॉर्निंग, मुझे लगता है आई थिंक कि जो काफी सराउंडिंग है न्यूज को लेके इससे रिएक्ट करता है स्टॉक काफी हद तक। और जहां तक आई थिंक ट्रैक है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जहां पे एक स्टेबिलिटी हम उम्मीद कर सकते हैं, आई थिंक दैट इज गोइंग टू टेक टाइम। तो न्यूज पर आई थिंक स्टॉक रिएक्ट्स ईदर ऑन द हायर साइड और द लोअर साइड, तो मुझे लगता है आई थिंक सिलेक्टिव रहे ब्रॉडर मार्केट्स में, देर आर स्टॉक्स विच आर स्टिल लुकिंग गुड, पेटीएम वी वुड लाइक टू अवॉइड एट दिस। पर मयूरेश, आज टेलीकॉम स्पेस भी पूरा बज में है। हमने वोडाफोन आइडिया के बारे में चर्चा तो की ही, 2% की वहां पे तेजी है, कल है हियरिंग, पर मयूरेश इसका एक बेनिफिशियरी अब इंडस टावर्स को भी बताया जा रहा है। हालांकि यहां पे भारतीय एयरटेल का स्टेक अब बढ़ चुका है, शायद उनकी सब्सिडरी भी जल्द बन जाए, पर इंडस टावर्स पे क्या टेक है मयूरेश आपका, और साथ ही वोडाफोन आइडिया के लिए अगर आपके कोई टारगेट्स हैं तो वो भी बताइए। तो सृष्टि, इंडस टावर्स पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहेगा। जो हम ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग देखते हैं, काफी कुछ पैरामीटर्स कैंसिल उनके मीट होता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो वोडाफोन की सस्टेनेबिलिटी है, इससे जो ओवरऑल टेनेंसी रेशियोज है इसमें एक इजाफा देखने मिल जाएगा। दूसरा, आई थिंक जो प्राइसिंग रियलाइजेशन है वहां पे स्टेबिलिटी देखने मिलेगी। तीसरा, आई थिंक जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मोर टावर्स नीडेड ओवर द नेक्स्ट 5 to 10 years फ्रॉम अ टेलीकॉम स्ट्रोक इंफ्रास्ट्रक्चर परस्पेक्टिव इज वेल, यानी जो गवर्नमेंट और प्राइवेट केपेक्स दोनों आ सकता है, काफी सब्सटेंशियल हो सकता है, और इसके वजह से आई थिंक जो इंक्रीमेंटल डिमांड रहेगी
ये भी काफी स्ट्रांग हो सकती है, विच कैन लीड टू बेटर नंबर्स। अगर ये सारी चीजें प्ले आउट होती है जैसे हो रही है इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर, एक स्टेबिलिटी जो दिख रही है और एक इंक्रीज अर्निंग मोमेंटम दिख सकता है, तो कैश फ्लोज इंप्रूव होंगे और जो लेवरेज बन चुका है बैलेंस शीट के ऊपर इंडस्ट्रीज का, आई थिंक दैट शुड स्टार्ट कमिंग ऑफ क्वाइट स्टेडीली, जो रिटर्न रेशियोज को सपोर्ट करेगा। तो बेस्ड ऑन दिस रैशनल हमें लगता है आई थिंक इंडस्ट्रीज का जो अर्निंग्स पोटेंशियल है यहाँ से और भी अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है, तो हम इस स्टॉक पे ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे। जहां तक वोडाफोन आइडिया का सवाल रहे, जो क्यूरेटिव पिटिशन है, व्हाट कम्स आउट ऑफ इट एक ट्रिगर बन सकता है स्टॉक के लिए। अगर पॉजिटिव रहा तो ऑब्वियसली द स्टॉक इज गोइंग टू मूव हायर और जो स्ट्रेस है बैलेंस शीट के ऊपर ये अच्छी खासी कम हो जाएगी। बट ओवरऑल अगर आप दो डायनेमिक्स देखें, एक आई थिंक जो ओवरऑल डेट वोडाफोन आइडिया के बुक्स पे है इज वेरी वेरी ह्यूज, आई थिंक काफी सब्सटेंशियल डेट है। विद द टैरिफ इंक्रीजेस दैट मोस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैव डन, इससे थोड़ा एक लीवे मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ डेट, थोड़े कैश फ्लो में इंप्रूवमेंट आ सकते हैं, बट सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट बैलेंस शीट के ऊपर काफी समय लगेगा। तो अगर किसी को स्ट्रीट पे लग रहा है कि ये एक दो तीन तिमाहियों में शायद एक टर्न अराउंड स्टोरी हो जाएगी बैलेंस शीट के हिसाब से, इट इज स्टिल गोइंग टू टेक टाइम। दूसरा ये भी समझे कि इनके पास लेगेसी नेटवर्क है 2G के, तो अच्छा खासा केपेक्स ही लगने वाला है टू कॉम्पीट विद पियर्स हु आर गॉन फार अहेड। पियर्स तो 5G लगाने की सोच रहे हैं और इसके लिए आई थिंक केपेक्स रिक्वायरमेंट्स काफी यूज होने वाली है। तो ये कैसे रेस करने वाले कैपिटल, बैलेंस शीट पे एडिशनल स्ट्रेस कहाँ से आने वाला है, ये सारी चीजें देखना भी बहुत लाजमी होगा। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड दिस स्टॉक आफ्टर द सब्सटेंशियल मूव दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट फ्यू क्वार्टर्स, जो काफी कुछ पेंसिल इन कर रहा है पॉजिटिव्स, यहाँ से अभी ट्रेडिंग मूव्स देखे जा सकते हैं। कल के वर्डिक्ट के ऊपर वापस पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटिमेंटल मूव स्टॉक के ऊपर आ सकते हैं, विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू रिमेन पॉजिटिव अगर स्ट्रेस कम होता है बैलेंस शीट के ऊपर, बट सब्सटेंशियल री रेटिंग के चांसेस ये लेवल से आई थिंक काफी कम देख पा रहा हूँ। आई स्टिक अराउंड विद भारती और रिलायंस जिनके पास ये बिल्कुल। अच्छा चलो मैं बताता हूँ सर, मैं ना थोड़ा मिस कर रहा था जब आप बोल रहे थे, जब आप बोलते ना इस समय आपके ना एक बार डोरबेल बजती है जरूर, वो अभी तक नहीं बजी है तो मैं वही मिस कर रहा था। मैं कहा अब तो 9:30 भी हो गए, 9:30 हो गए, माफ कीजिए इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये सिर्फ मैं मजाक की बात बोल रहा हूँ। कई बार क्या होता है बहुत सारे मैटर हमारा सीरियस हो जाता है, इसको थोड़ा डाउन करने के लिए। वो डोरबेल बजी सर, बजी थी नहीं डिप्पी जी, मैं ही बोलता हूँ किसी को बजाने के लिए तो फिर समय हो गया है लॉग ऑफ करने का। अच्छा, चलिए ठीक है, ये आपने अच्छा हिंट कर दिया सर, ठीक है बढ़िया है। तो सर आप अगर इजाजत लेना चाहें तो बिल्कुल आप इजाजत ले सकते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।